मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका जो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हमने लेसन सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ था, उसका हम आज सेकंड पार्ट जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो पढ़ते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आपने शायद पिछले वाली वीडियो में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स थे उनके बारे में पढ़ा होगा और अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखा होगा। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते। फर्स्ट है ब्रेन। ब्रेन जो तुम्हारा दिमाग, जैसे कि यहाँ पे फोटो दिखाई गई है आपको ब्रेन की, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। शरीर के सभी जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। ऑल बॉडी ऑर्गन्स, सभी जो शारीरिक अंग होते हैं हमारे अंदर वाले, टिश्यू मैसेज फ्रॉम ब्रेन, मतलब दिमाग को जो है जो उसका संदेश होता है वो भेजते हैं। एंड ऑल सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स, और उससे दिमाग से वो मैसेज प्राप्त भी करते हैं। और सभी जो सेंसर होते हैं हमारे, मतलब जो इंद्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, दिमाग को भी मैसेज भेजती हैं नर्व के द्वारा, कुछ मतलब की तंत्रिकाएं होती हैं उनके द्वारा। सेकंड आता है हार्ट। जो हार्ट होता है, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट, हमारी जो छाती होती है वहाँ पे हार्ट होता है, स्थित होता है। इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में जो है ब्लड को पंप करके क्या करता है, उन तक पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में शरीर के सभी भागों से जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं। जब हमारा मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, हार्ट जो होता है जब धड़कता है, पंप करता है, तो जो हमारा हार्ट होता है वो लब डब लब डब लब डब की आवाज़ करता है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको भी हमारा जो मतलब कि ब्लड होता है वो ऑक्सीजन लेके जाता है और उनको पहुंचाता है। इससे अगला वाला जो है वो होता है लंग्स। और हार्ट के बारे में कुछ बताया भी गया है कि डू यू नो ह्यूमन हार्ट पम्प्स ओवर 13,640 लीटर ऑफ ब्लड पर डे, एक दिन में इतने लीटर खून को जो है वो पंप करता है, मतलब कि प्योर कर देता है। और जो हमारा हार्ट होता है उसको एक बार धड़कने में, वैसे तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक धड़कन में जो है 0.8 सेकेंड जो है का टाइम लगता है। लंग्स जो फेफड़े होते हैं हमारे, लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ब्रीदिंग सिस्टम, हमारे जो श्वास तंत्र होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो लंग्स है। द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर वी ब्रेथ इन, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें से जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते, सोख लेते हैं। दिस ऑक्सीजन बर्न्स द फूड एंड गिव अस एनर्जी, फिर ये जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फूड जो भोजन होता है उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करवाती है, और उसमें से फिर हमें वो फूड जो होता है एनर्जी देता है। फिर आता है किडनीज। आवर बॉडी प्रोड्यूसेज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज हार्मफुल, ये देख रहे हैं आपको किडनी होती हैं बीन शेप जो होती हैं वो किडनियाँ होती हैं, इस टाइप से सेम के बीच जैसी होती हैं। ये लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, किडनी बाहर निकाल देते हैं। किडनी सेपरेट करती है लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से जो खून में से जो लिक्विड वेस्ट होता है ना, जो तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किडनी अलग कर देती है, सेपरेटनेस अलग कर लिया। दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट जो उत्पाद होता है उसको हमारे शरीर में से जो है यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है, और किडनी इस प्रकार से ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। तो ये आज हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना और इस वीडियो को पूरा देखना।